नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल, आज गणित के नंबर सिस्टम पर हम बात करेंगे। नंबर सिस्टम लगभग हर जगह यूज होता है, या आपको नोट गिनने हो, आपकी संपत्ति गिनने हो, आपको सब्जी लानी हो, आपको नमक लाना हो, यहाँ तक बच्चों के खिलौने खरीदने हो, या आपके पास कितनी बुक्स हैं, कितने पेंस हैं, कितने मोबाइल गेम्स हैं, सब के लिए आपको नंबर सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। नंबर सिस्टम डिफाइन अ सेट ऑफ वैल्यू यूज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग स्कूल, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स टेकन पर स्टूडेंट एटीसी। यानी नंबर एक ऐसी डेफिनेशन ऑफ सेट्स है जिसके अंदर हम ये गिनती कर सकते हैं कि क्लास में कितने बच्चे आए हैं, कितनी अटेंडेंस हैं, कितने एब्सेंट हैं, किसके पास कितनी बुक्स हैं, कितना टेम्परेचर है, कौन सी गाड़ी कितने किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितने केजी दूध कितने रुपए का आता है, सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये नंबर सिस्टम में आती है। वैसे नंबर सिस्टम का यूज कंप्यूटर में भी बहुत अधिक होता है, लेकिन आम जनजीवन में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, और एक विद्यार्थी के नाते तो नंबर सिस्टम को समझना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ यदि आप विद्यार्थी भी नहीं है, किसी के माता पिता या अभिभावक हैं, तो आपको अपने बच्चे के लिए और अपने लिए भी नंबर सिस्टम की जानकारी चाहिए। नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले रियल नंबर की बात करेंगे। रियल नंबर के दो भाग होते हैं, एक रैशनल और इरेशनल। इरेशनल के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, लेकिन अब हम रैशनल के बारे में बात करेंगे। रैशनल के भी दो पार्ट होते हैं, एक इंटीजर और एक रैशनल नॉन इंटीजर। इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर से जीरो और काउंटिंग नंबर आ जाता है। रियल नंबर, इन मैथमेटिक्स ए रियल नंबर इज ए वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ए क्वांटिटी अलोंग ए कंटीन्यूअस लाइन। द रियल नंबर इंक्लूड ऑल द रैशनल नंबर सच एज इंटीजर -5 एंड द फ्रैक्शन 4/3 एंड ऑल द इरेशनल नंबर सच एज √2 एंड इरेशनल अलजेब्रिक नंबर ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। इट्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर, इन मैथमेटिक्स ए रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द कोशेंट और फ्रैक्शन p एंड q ऑफ द टू इंटीजर with the denominator q not equal to 0, since q may be equal to 1, every integer is a rational number. अब आएंगे इंटीजर पे। एन इंटीजर इज ए नंबर दैट कैन बी रिटन विद ए फ्रैक्शन और डेसिमल कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल 21 4 n -2048 आर इंटीजर। 9.755 की पावर 1/2 एंड रुकू आर नॉट इंटीजर। The set of integer is a subset of real numbers and consists of the natural number and the negative of the non-zero natural number -1, -2, etc. Natural number, in mathematics the natural number are those used for counting and ordering. Property of the natural number related to divisibility such as the distribution of prime number are studies in number theory. The natural number had their origin in the word used to count things being with the number 1. Irrational number के कुछ हम example बता देते हैं, जैसे पाई है, पाई की value वैसे तो हम normally ले लेते हैं 22/7, but 22/7 is not the value of पाई, but it is approximate value. पाई's real value is irrational. Euler value, √2, √3 और जितने भी prime number हैं उनका under root irrational के अंदर ही आता है। और हम दोबारा से रियल नंबर पर बात करते हैं। रियल नंबर उन नंबरों को कहा जाता है जो एक सिंगल लाइन पर ड्रा हो सकते हैं। सिंगल लाइन पर ड्रा होने का मतलब है कि उनमें सिर्फ एक क्वांटिटी होगी, जैसे कोई 1 kg है, या किसी की लंबाई है, या कोई दूरी है, या किसी तरह का कोई टेम्परेचर है। यदि हम ऐसा कहें कि 4 kg दूध इतने रुपये के भाव आता है, तो इसको ड्रा कीजिए, ठीक है, तो ये रियल नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें दो क्वांटिटी आ गई, एक रुपीस आ गया और एक केजी आ गया। यदि हम एक ही क्वांटिटी लेते हैं तो वो हमारा एक ही लाइन पर ड्रा हो जाता है, जिसको हम रियल लाइन कह सकते हैं।
अब जिंदगी में जो भी रियल क्वांटिटी हैं, जो भी हम यूज कर सकते हैं, संभावित हैं, जो यूज हो सकती हैं, वो सभी रियल में आएंगी और हम उसे एक लाइन पर ड्रा कर सकते हैं। और हमारी सेकंड जो वीडियो आएगी कमिंग सून आने ही वाली है, जिस पर हम इरेशनल नंबर पर बहुत ज़्यादा बात करेंगे, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम और परफेक्ट नंबर और मोर। इसी के साथ हम धन्यवाद विदाई के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको इसमें कोई कमी नज़र आ रही है तो कमेंट में वो कमी भी लिखें। धन्यवाद।